हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम जानते हैं टिकटॉक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, कई लोग नाचते हैं, कई लोग गाते हैं, लेकिन आज हम टिकटॉक का एक बहुत ही ज़्यादा काला सच और काला चेहरा आपको दिखाने वाले हैं। तो अगले 10 मिनट जो आप देखने वाले हैं वो ऐसे ही कुछ वीडियोज़ का कलेक्शन है, जहाँ पर वो वीडियोज़ दावा करती हैं कि उन वीडियोज़ में एक भूत को कैप्चर किया गया है, और साथ में उन वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें कैप्चर हुई हैं जो कि आम जिंदगी में यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलती। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ये वीडियो टिकटॉक पर पेरा ब्रोज ने अपलोड किया है। ये कैसे कब्रिस्तान में आए हैं जो कि भूतिया माना जाता है। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जिसको ये लोग भूतिया मानते हैं। उसी दौरान उनकी नजर इस कब्र के ऊपर पड़ती है। वो देखते हैं कि यह कब्र दूसरी कब्रों से दिखने में काफी ज्यादा अलग है और यह होल ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने फोर्सफुली किया हो। तभी वहां पर ऐसी घटना घटती है जो शायद ये अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अचानक से ही कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर आ जाता है। उसे देखकर ये लोग चीख कर वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाथ बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो इस हाथ में कोई ब्लड रोटेशन ही नहीं हो। इसके नाखून देखने पर ऐसे लगते हैं कि मानो वो सड़ रहे हों। देखने में ये बिल्कुल रियल नजर आता है, लेकिन मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो टिकटॉक यूजर @ezd_ ने बनाया है। ये वीडियो काफी ज्यादा डरावना लगा हमें, इसलिए हमने इसे लिस्ट में ऐड कर दिया। हालांकि इस वीडियो में आप काफी चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनेंगे और ये वीडियो कई बार आपको सता भी सकता है। आइए पहले इस वीडियो पर नजर डालते हैं। तो देखा आपने, पहले तो उस आदमी को गटर में से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। वो भागकर ये चेक करने जाता है कि आखिर नीचे कौन है। जब वो आसपास देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। इवन थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ही कोई हमला कर देता है, तब वो वहां से भाग खड़ा होता है। इवन वो भी नहीं जानता कि ये किसकी आवाज थी और क्यों आ रही थी। ये वीडियो Grayscale99 ने टिकटॉक पर अपलोड किया है। ये एक पागलखाने का फुटेज है जो आज की डेट में सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। वो यहाँ पर चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखता। फिर उनकी नजर इस जगह पर पड़ती है जहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खून के निशान नजर आते हैं। हम ये देखकर सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता होगा। ये वीडियो मटियास चुमोरो ने टिकटॉक पर अपलोड किया है। ये एक कपल है, ये एक गुफा के अंदर झांक रहे होते हैं। तभी गुफा के अंदर आदमी ये सवाल पूछता है कि अंदर कौन है, तो जो इन्हें सुनने को मिलता है उससे ये काफी डर जाते हैं। वैसे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे देखने में ये वीडियो थोड़ा सा फेक नजर आता है। आपका क्या विचार है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। टिकटॉक पर अपलोड हुआ ये वीडियो काफी ज्यादा भयानक नजर आता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी जंगल का फुटेज है और पेड़ों के ऊपर कोई औरत पूरे सफेद कपड़ों में खड़ी हुई है। जो बंदा इस वीडियो को शूट कर रहा है वो इसलिए भी हैरान रहता है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मानो वो औरत कैमरे की तरफ ही देख रही हो। आपको अगर ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? क्या हो अगर आप 34वें माला पर रहते हो और अचानक से ही आपको फील हो कि भूकंप आ रहा है, यानी कि आप वहीं पर रुके रहेंगे या फिर 34 माला ऊपर से जंप लगाने का सोचेंगे? आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ इस औरत के साथ घटित हुआ जहां पर भूकंप आ रहा है और ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। Guys, holy shit. I am on the 35th floor and I swear to you my building is tilting. Like, can you see?
My whole building is literally moving. Oh my god. This is insane. Like, the whole... Oh, baby, don't be scared. My cats are scared. It's vibrating. The whole house is vibrating. हम देख सकते हैं जो सीलिंग में लटका हुआ शैंडलियर है वो बिल्कुल हिलता हुआ नजर आता है और यहाँ तक कि इसकी दोनों पालतू बिल्लियां भी डरी हुई नजर आती हैं। इसी सिचुएशन में वैसे इंसान को क्या करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। जरा सोचिए कभी आप कहीं रात में गए हुए हैं वो जगह सुनसान और बदनाम है और वहां से कुछ आपको डरावनी आवाजें आए तो इसी सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करेंगे। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। हमने इस चैनल पर अब तक ना जाने कितनी वीडियोस देख ली होंगी जहां पर भूत प्रेत ने किसी इंसान को अपने वश में कर लिया, यहां तक कि कई चीजों को अपने वश में कर लिया। ऐसा ही कुछ इस सीढ़ी के साथ हम देखने वाले हैं। ये किसी मॉल की पार्किंग का फुटेज है और आप देख सकते हैं कि बिना किसी इंसान के या बिना किसी चीज के हिलाने के बावजूद ये सीढ़ी अपने आप ही मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। I hear you. I'm coming. कभी कभी इंसानियत के लिए काम करना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। ये सबक आज इस औरत ने यहाँ पर एक बिल्ली की जान बचाते वक्त सीखा। हम देख और सुन सकते हैं कि अंदर से किसी बिल्ली की आवाज आ रही है। ये औरत एक एक करके सारी ही चीजें हटाती है और उस बिल्ली को ढूंढने की कोशिश करती है, बट अचानक से उसके सामने कुछ और ही चीज आ जाती है। वो देखती है कि पीछे एक खतरनाक रेटल स्नेक बैठा हुआ है और ये देखकर बिल्ली की जान छोड़िए ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है गैलागर स्ट्रम चर्सी ने। वो जब अपने बच्चे को देखने जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनके बच्चे के पास कोई और भी सो रहा है जबकि उनके घर में और कोई नहीं है। तभी वो अपना मोबाइल ऑन करके इस पूरे नजारे को शूट भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। हम देख सकते हैं जब ये बंदा ध्यान से देखता है कि कोई ऐसी छवि है जिसका पूरा फेस भी नजर आ रहा है, वो इसके बच्चे के पास ही लेटा हुआ है। ये फौरन जब ये नोट कर लेता है उसके बाद ये वहां से भाग खड़ा होता है और अपनी वाइफ के कमरे में जाकर उसे इन्फॉर्म करता है। सवाल ये उठता है कि इसका भागना सही था या फिर इस टाइम इसको बच्चे को भी लेकर साथ में चले जाना चाहिए था। ये वीडियो अपलोड किया है सारी मरमुनिज ने, जो कि एक सॉन्ग के ऊपर अपना वीडियो शूट कर रही थी, टिकटॉक वीडियो बना रही थी। तभी अचानक से वहां पर एक छवि कैमरे के साइड में आकर गायब हो जाती है। ये सब कुछ बहुत ही स्पीड में होता है। उस टाइम इनकी नजर इस पर नहीं पड़ती। जब बाद में अपना ये वीडियो देखती हैं और फोकस करती हैं, ज़ूम करती हैं, तब जाके ये चीज उन्हें नजर आती है और ये देखने के बाद ये कितनी ज्यादा डरी हुई हैं आप देख ही सकते हैं। ये वीडियो जैला ने अपलोड किया है और ये बताती है कि उनके घर की यह खिड़की अपने आप ही ऊपर की तरफ खुल जाती है। Really want the window to open, Mr. Ghosty. Can you keep opening it for me? I didn't do anything. Cleaned my room, did everything that I... आप देख सकते हैं ये खिड़की किस तरीके से ऊपर जा रही है और ये लड़की उससे मजाक भी कर रही होती है। वो बोलती है कि भूत प्लीज थोड़ा सा और इसको ओपन कर दो। वैसे इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा कि आखिर ये खिड़की ऊपर की तरफ कैसे जा सकती है जबकि ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। ध्यान से देखने पर भी हमें यहाँ पर कोई धागा या वायर नजर नहीं आता जिसकी मदद से इसे खोला गया होगा। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपलोड किया है डॉट एरियाना लेक्सिस ने। इनके पास ऐसा एक कुदरती पावर है कि ये अपनी आंखों को जिस डायरेक्शन में चाहें उधर घुमा सकती हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। हालांकि इसे देखकर हमारा सर जरूर दुख सकता है, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने इसे डर अपनी वीडियोस की लिस्ट में क्यों शामिल किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाकई में डरावना ही है कि कोई अच्छे भले आपके साथ बैठा है और फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उसने अपनी आंखें दोनों अलग अलग दिशाओं में कर रखी हैं, जैसे कि कोई गिरगिट करता है। ये वीडियो अपलोड किया था जोजो कैट ने। अक्सर हमें पता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप किसी कार में फंसे हुए हैं तो ये सलाह दी जाती है कि आप बिल्कुल भी मत हिलिए,
लेकिन आप देख सकते हैं ये कार बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये उस उल्टी पड़ी हुई कार के अंदर ही टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हैं। या तो ये ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि इनके इस कारनामे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ये जल्दी से फेमस हो जाएं। लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि हो सकता है कि इन्हें इंटरनली काफ़ी गहरी चोटें भी आई होंगी, लेकिन फिर भी ये उसकी परवाह ना करते हुए अच्छे से हिलती डुलती नज़र आ रही हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद आप इसे इन लड़कियों की हिम्मत बोलेंगे या फिर बेवकूफ़ी? कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यही खत्म होता है, जहां पर हमने देखी टिकटॉक की कुछ सबसे ज्यादा डरावनी वीडियोस, स्केरी वीडियोस कॉट ऑन टिकटॉक। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।